दोस्तों, मैं हूँ सीमा, लक्ष्मी नारायण गार्डन से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण। आज मैं अपने एक स्पेशल वीडियो के साथ आई हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बड़ा ही ऐसा वीडियो है जो आप लोग अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाती हैं और उनकी केयर, उनके गमलों की केयर, और गमले कैसे होने चाहिए पौधों के लिए, और अचानक कोई गमला अगर जो आपका टूट जाता है तो तुरंत अगर जो आपके पास गमला नहीं है तो उस पौधे को कैसे दोबारा दूसरे गमले में रिपोर्ट करें, दूसरे गमले में लगाएं, कैसे अरेंज करें गमला, आज हमारा यह वीडियो है। तो आप देखिए, हमारा ये नाग चंपा का प्लांट है, बड़ा खूबसूरत पौधा है और सावन में सफ़ेद फूल जो है शंकर जी को बहुत प्रिय है और सफ़ेद फूल हमारे गार्डन में हर समय रहते हैं। तो ये नाग चंपा के जो फ्लावर्स हैं, देखिए गुच्छे से निकले हुए हैं, बड़ा खूबसूरत प्लांट हमारा है, बड़ा लंबा सा, बहुत बड़ा सा, 2 साल पुराना प्लांट है और देखिए कहाँ तक आया है। और इसका गमला अचानक टूट गया। अब देखिए, हमारा गमला जब कोई बड़ा प्लांट हो जाता है, बड़ा पौधा हो जाता है, तो देखिए मैंने इसको टेक लगाया था, ये अपने आप अचानक गमला हमारा टूट गया चारों तरफ से। अब हमारे पास कोई इस समय गमला नहीं है, तो गमला हमको तुरंत इसको रिपोर्ट करना है, तुरंत दूसरे गमले में लगाना है, क्योंकि इसमें पानी, देखिए आपको बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा होगा, और बारिश का पानी जब इस पर पड़ता है तो मिट्टी सारी नीचे आ जाती है और गंदगी फैलती है, इसी वजह से हमको तुरंत इसको रिपोर्ट करना है। और हमारे पास इसके हिसाब का गमला नहीं, क्योंकि इसका कम से कम 20 इंच का गमला होना चाहिए, बड़ा प्लांट है, बड़ी मोटी इसकी स्टेम हो गई है और मैंने काट के इसको बहुत सारी ब्रांचों में इसको डिवाइड कर दिया था। अब देखिए, हमारा बहुत खूबसूरत प्लांट है और ऐसा कोई इसमें ब्रांच नहीं जिसमें इसमें फ्लावर ना निकले हों, और इसमें स्टिक एक निकलती है, उसमें फ्लावर बड़े खूबसूरत निकलते हैं। देखिए कितने खूबसूरत है, हर एक स्टिक में फ्लावर लगे हैं और लगातार इसमें स्टिक निकल रही है। देखिए, क्योंकि सीजन है, समर सीजन हमारे नाग चंपा के फ्लावरिंग करने का समय होता है। जितने खुशबूदार वाले प्लांट होते हैं, जैसे मोगरा है, नाग चंपा है और जैस्मिन है और चंपा प्लांट है, बहुत सारे ऐसे हैं, ये जो पौधे होते हैं हमारे समर सीजन के पौधे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत वाले पौधे होते हैं, बड़ी मनमोहक खुशबू वाले पौधे होते हैं। और ये तो हमारा नाग चंपा का प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट, फ्लावर प्लांट है, इसमें इतने ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं और तब हम भगवान शंकर जी के ऊपर इन पे डेली फ्लावर चढ़ाते हैं। अगर जो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो हमारा ये पौधा, देखिए इस पर कल पानी नहीं पड़ा और इसे पत्तियाँ देखिए पीली भी होने लगी, 2 दिन के अंदर इसमें फ़र्क आ गया, पीली पत्तियाँ होने लगी और पत्तियाँ ख़राब होने लगी। और तब हमको, मैंने एक जुगाड़ सोचा है बहुत ही बढ़िया, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे पास बोरी पड़ी हुई थी, बहुत ही मजबूत बोरी है चावल की, देखिए नीचे से मैंने उल्टा कर दिया है, चावल की बोरी थी। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी तो हम गमला अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो मैंने बोरी को पलट लिया है और धुल लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी भरी रखी हुई थी और नीचे तो ये रंग बिरंगी बोरी है वो कम अच्छी लगेगी गमले के लिए, तो मैंने इसको पलट लिया, सिल्वर कलर की बड़ी खूबसूरत सी बोरी तैयार हो गई गमले के रूप में, मैंने इसको बनाया, आधी बोरी अंदर पलट ली है, जितना हमारा पौधा ज़रूरत पड़ती रहेगी उतना हम इसको ऊपर से नीचे से खोलते रहेंगे। और तब तक के लिए हमारा 15-20 इंच का, 15 लीटर्स में 15 किलो मिट्टी भरने भर का हमारा गमला तैयार है। और इस हमारे पौधे के लिए जो हमारा नाग चंपा का है, इसको मैं इसमें लगा दूंगी, किनारे किनारे से मैंने बहुत सारे छेद किए हैं, पॉलीथीन की वजह से इसमें आपको छेद दिखेंगे नहीं, चाकू की सहायता से मैंने नीचे छेद किए हैं, इधर छेद किए, सब जगह छेद कर लिए जिससे पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि बोरी जो होती है, बोरी में पानी थोड़ा सा रुक जाता है, प्लास्टिक की बोरी है, अगर जो जूट की बोरी होती है उसमें पानी नहीं रुकता, लेकिन ये प्लास्टिक की बोरी है, उसमें बड़ी केयरफुली प्लांट लगाना पड़ता है, चाहे डिब्बा हो प्लास्टिक का, चाहे बोरी हो। और ये तो इसमें थोड़ी सी पॉलीथीन भी चढ़ी है और इसलिए हमको बहुत छेद, 10-12 छेद करने पड़े। अब इसको अपने नाग चंपा के प्लांट को उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसको बिल्कुल झाड़ेंगे नहीं रूट्स, क्योंकि हमारा इस समय सीजन है, अगर इसकी रूट झाड़ देंगे तो प्लांट तुरंत सूख जाएगा। वैसे नियम तो ये है, अगर जो कोई आप लगाती हैं प्लांट रिपोर्ट करती हैं तो उसकी रूट झाड़नी होती है, जैसे बॉन्ड हो गई रूट। अब इसको हम इसलिए नहीं झाड़ेंगे, देखिए कैसे गिर रहे हैं फ्लावर, जगह जगह फ्लावर ऊपर से गिर रहे हैं और यही फ्लावर हम भोलेनाथ भी चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को बहुत प्रिय लगते हैं, शंकर जी को सफ़ेद फ्लावर बहुत प्रिय है। और ये देखिए, हम इसकी रूट्स इसलिए नहीं झाड़ेंगे क्योंकि अगर जो हमने रूट झाड़ दी तो हमारा प्लांट जो है थोड़े दिन के लिए डॉर्मेंसी में चला जाएगा और फ्लावरिंग फिर नहीं करेगा, तो इस समय बहुत ज़रूरत है फ्लावरों की। और इसको मैं बड़ी केयरफुली निकालती हूँ, इसको आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखें प्लीज़, और किस तरीके से मैं इसको पौधे को लगाती हूँ।
और देखिए मैंने इसको खाली कर लिया है, सारे गमले पूरा टूटा हुआ है और कितना रूट बॉन्ड है देखिए, आप नीचे से बड़ी सी रूट्स बॉन्ड हो गई। जब ये रूट्स बॉन्ड हो जाती है तो फ्लावरिंग प्लांट करना कुछ बंद कर देते हैं, लेकिन अभी इसका सीज़न नहीं है जो हम इसको रूट इसकी हटा के झाड़ के फिर से दूसरे गमले में लगाएं मिट्टी डाल के। अगर जो इस तरीके से जब हम प्लांट लगाते हैं रूट्स झाड़ के बाद में दूसरे नए जो गमले में लगाते हैं तो हमारा एक महीने के लिए डॉर्मेंसी में जाने के बाद में फिर से लीफ नई नई निकालता है और फिर फ्लावरिंग करता है। तो अब इस समय हमारे पास ये सीज़न नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावर लगे हैं। आप देखिए मैंने इसको पलट दिया है, बहुत ज़्यादा फ्लावर हमारे इस नागचंपा के प्लांट में लगे हैं, देखिए गुच्छे से लगे हैं। इसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ और ऐसे ही इसको उठा के हम अपने पॉलिथीन का जो मैंने गमला बनाया है इसी जगह पे जो जहाँ की प्लेस होती है वहीं पे उसको खुशी मिलती है और इसी में हमें इसको तुरंत ऐसे रख दूँगी। थोड़ी सी पहले पत्ती डालूँगी, थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी, उसके बाद में इसको हम इस गमले को रिपोर्ट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा लास्ट तक वीडियो। और थोड़ी सी पत्ती देखिए मैंने इसमें डाल ली क्योंकि पत्ती डालने से हमारे गमले में मिट्टी भर छेदों में नहीं भरती जो हम छेद करे हैं और पत्ती बहुत ही बढ़िया खाद है हमारे गमले के लिए। अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे जो हमारे पास हर समय बनी रखी रहती है। और देखिए मैंने केयरफुली इसको रख दिया है और थोड़ा सा बोरी और ऊपर खींच लिए क्योंकि बहुत बड़ा हमारा ये प्लांट है, बहुत बड़ा बहुत बड़े गमले में लगा था और उससे बड़े हमें गमले में लगाना है। नीचे भी हमने पत्तियां डाली हैं और मिट्टी डाल के उसके बाद में मैंने इस तरीके से रख लिया। एक बित का और फासला इसमें और हम मिट्टी भरेंगे चार अंगुल लगभग, और चार अंगुल इसमें हम छोड़ देंगे जगह। जब कोई ऐसे हमारा गमला टूट जाता है तो बहुत दुख पहुंचता है क्योंकि हमें उस गमले से निकाल के दूसरे गमले में अरेंज करना पड़ता है अगर जो गमला नहीं होता है आपके पास। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को तुरंत लगा सकते हैं, एक साल के लिए आराम से लगा रहेगा। एक साल के बाद में ये बोरी हमारी ख़राब हो जाएगी तो बोरी को काट के फिर से नए गमले में या फिर से बोरी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम मिट्टी इसमें इस तरीके से भरेंगे चारों तरफ से भी ऊपर से भी, जिससे हमारा पौधा जो है नागचंपा का प्लांट है बिल्कुल डॉर्मेंसी में न जाए, उसको और न्यूट्रिशंस मिले जो हम मिट्टी में है हमारी हर तरीके की, इसमें खाद पड़ी हुई है और उसके बाद में इसकी पत्तियां बहुत हरी भरी हो जाएंगी और ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी और फ्लावर इतने ज़्यादा निकलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे गमले ट्रांसफ़र किए हैं, आप हमारा वीडियो लास्ट तक प्लीज़ देखते रहें। इसमें मिट्टी मैंने भर ली है और इसमें पानी भरते जाएंगे और मिट्टी डालते जाएंगे क्योंकि साइड साइड में हमको मिट्टी पहुंचानी है। जब हम पानी डालेंगे तो मिट्टी खिसक जाएगी, जब मिट्टी खिसक जाएगी तो इसमें और जगह बन जाएगी और हम लगातार इसमें मिट्टी डालेंगे साइड साइड से, क्योंकि साइड साइड में हमको ये गमला है साइड साइड में मिट्टी डालना ज़रूरी है क्योंकि सारी रूट्स आपको मैंने दिखाई थी, सारी रूट्स बाहर आई हैं। अगर पानी रुकने लगता है तो थोड़ा किनारे किनारे से एयर हो जाती है तो किनारे किनारे से हल्के से चाकू या किसी की सहायता से ऐसे करते रहें तो पानी नीचे चला जाएगा। और पानी नीचे चला जाने के बाद में हम और मिट्टी डाल देंगे, एयर बनने लगती है इसी वजह से पानी रुक जाता है। ये देखिए पानी नीचे चला गया, अब हम अभी और पानी भरेंगे क्योंकि जितनी मिट्टी खिसकनी है उतनी खिसक जाएगी। आज हमारे पौधे को बहुत अच्छा पानी मिला है और बहुत बढ़िया न्यूट्रिशंस वाली खाद मिल रही है, इसलिए पौधा बड़ा खुश होगा क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। और रूट्स आपको मैंने दिखाई थी, जो किनारे किनारे से रूट्स निकल जाती हैं जब बॉन्ड हो जाता है प्लांट रूट बॉन्ड कर देता है तो उसमें मिट्टी बचती नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए पौधा हमारा जो है पत्तियाँ सुखाने लगता है फिर फ्लावरिंग कम कर देता है। बस एक यही रीज़न होता है कोई भी प्लांट में, अगर जो आपके पौधे आपके प्लांट में कोई भी अगर जो फूल नहीं आते हैं, कोई भी पौधा ऐसा है जैसे गुड़हल का ज़्यादातर रूट बाउंड कर देता है और बड़े बड़े पौधे जो होते हैं रूट बाउंड कर देते हैं, इसी तरीके से आप दूसरा गमला लें और दूसरे गमले में रूट्स झाड़ने के बाद में जब सीज़न होता है अक्टूबर में आप सितंबर लास्ट अक्टूबर में आप इस तरीके से गुलाब के लिए भी कर सकते हैं कि गुलाब की रूट्स जब चेंज करनी होती है, गुलाब की कटिंग करनी होती है तो इस तरीके से। अभी हमारा जो पॉट है थोड़ा सा हिल रहा है, इसको मुझे सही करना है और सही करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए मैंने इसको सही कर दिया क्योंकि पॉलिथीन में जब धीरे धीरे मिट्टी जाती है तब गमला सेट हो पाता है, कम से कम 4-5 दिन इसको सेट होने में लग जाएगा। धीरे धीरे मिट्टी खिसकेगी और इसमें लगातार मिट्टी भरेंगे। पत्तियां और हमारी जो घर में बनी खाद होती है उसको उसे मैंने पौधा लगा दिया, नीचे भी पत्ती ऊपर भी पत्ती, जिससे उसको बहुत अच्छा फील हो। और थोड़ा सा इसमें मैंने सपोर्ट दिया है गुलाब के गमलों से क्योंकि उन्हीं के साथ रखा था, गुलाब के गमले थोड़े से आगे खिसका के सपोर्ट इसलिए दिया है क्योंकि लंबी बोरी हो गई है
और हमारे पास गमला था नहीं, इसलिए इस बोरी मुझे लगाना पड़ा। जब थोड़ी सी लंबी बोरी है, और अगर जो इतनी बोरी होती तो नहीं हिलती, लंबी बोरी है इसलिए थोड़ा सा बैलेंस इसका बिगड़ रहा है, क्योंकि लंबा हमारा प्लांट है। इसको थोड़े दिन के लिए मैंने, थोड़े दिन का एक साल के लिए हमारा ये प्लांट लग गया। जब इसका सीज़न ऑफ होगा, जब डॉर्मिसिम भी होगा, तब इसको फिर से मैं रिपोर्ट करूँगी। और मैंने इसी गमले का आगे से सपोर्ट दिया, जैसे इसको फील अच्छा लगे, और उसी जगह पे लगाया जहाँ पे लगा हुआ था। और आशा आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया हो तो इस तरीके से, आपका कोई अचानक गमला टूटता है तो आपके घर में, सभी के घर में बोरी ज़रूर होती हैं, आप बोरियों बोरी में किनारे किनारे से छेद करके, बहुत ज़्यादा छेद कर लें, 10-12 छेद कम से कम कर लें, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं तो मिट्टी बाहर आ जाएगी। उसके बाद में गमले को बिल्कुल नहीं झाड़े। अगर 20 सीज़न में आपका गमला प्लांट ख़राब होता है, प्लांट टूटता है, गमला टूटता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश में बहुत सारे ऐसे आपको देखने पड़ते हैं अपने गार्डन में, ख़तरनाक चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपने पौधों के लिए, अपने गमलों के लिए। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही, जो मैंने अपने इसको बोरी वाले गमले में, बोरी से गमला बनाया और नाग चंपा का प्लांट लगाया, आप लोगों को भी दिखाया। इस तरीके से आप लोग भी अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं, पौधे जो जिसमें फ्लावर आ रहे हैं लगातार पौधे पा सकते हैं। अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। आशा आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाएं, शेयर करें लिंक को, और मोटिवेशन बढ़ाते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।